بسم الله الرحمن الرحيم. International Islamic Research Center. जहाँ औरत नंगे सर हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो यकीनन अपने घर में ये कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों ने तवहमात की शक्ल में वहम बना रखे हैं कि ये हो जाए तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। इनमें से ये बात उन्हीं में से है कि औरत नंगे सर हो तो रहमत का फरिश्ता नहीं आता। घर के अंदर बाप है, घर के अंदर बेटा है, घर के अंदर सगा भाई है, घर के अंदर ससुर है, इन सब से पर्दा नहीं है। औरत अपना कपड़ा उतार सकती है सर का, तो इसका मतलब फिर रहमत तो घर में दाखिल ही ना हुई। ये बिल्कुल ही वहमी किस्म की बातें होती हैं जो हमारे यहाँ मशहूर कर दी गई। मुसलमान औरत को अपना सर कपड़े से ढांप कर रखना चाहिए ताकि रहमत के फरिश्ते की आमद रहे। औरतों को सर ढांप कर रखना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है जो आपने कही है कि रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जहाँ नंगे सर औरत हो, कमरे में मियाँ बीवी है, नंगे सर है, अब कमरे से भी रहमत गई। घर में बीवी ने नंगा सर रखा हुआ है, बीवी है और शौहर है, पूरे घर में दो ही लोग हैं और किससे वो पर्दा करे। अल्लाह कह रहा है हुन्ना लिबासुलकुम वअन्तुम लिबासुलहुन, तुम अपनी बीवियों का लिबास हो, बीवियाँ तुम्हारा लिबास। यहाँ दुपट्टे की कहाँ जरूरत आ रही। लिहाजा ये वहमी बातें हैं सारी।